Next topic is magnetic field due to a current in a solenoid. Solenoid क्या होता है? अगर हम एक आयरन कोर लें और उसके ऊपर हम कॉपर वायर को रैप कर लें एंड देन द बोथ द एंड्स ऑफ द कॉपर वायर गेट कनेक्टेड विद द बैटरी देन इट इज कॉल्ड अ सोलेनोइड. नाउ दिस सोलेनोइड वर्क एज अ बार मैग्नेट. अब ये सोलेनोइड एक बार मैग्नेट की तरह वर्क करेगा और अगर हम मैग्नेटिक कंपास इसके पास रखें तो हमें बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑब्टेन. इसका मतलब ये हुआ कि सोलेनोइड अपने चारों तरफ बिल्कुल उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड को पोज करता है जैसे कि एक बार मैग्नेट अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को पोज करता है. करैक्टरिस्टिक भी बिल्कुल वही होती है जो कि एक बार मैग्नेट के केस में होती है. नाउ अपन इसका उल्टा पढ़ेंगे कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो क्या होता है. अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में लगा दिया जाए तो रख दिया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करता है और वो कंडक्टर मूव करता है. तो नेक्स्ट टॉपिक यही है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड. इस टॉपिक को समझने के लिए हम एक एक्टिविटी कर सकते हैं. यहाँ पर हमने एक कंटेनर लिया है जिसमें कि मरकरी फील्ड है. अब हमने एक वायर को हैंग करके उस मरकरी में डिप किया है और इस कंटेनर को हमने मैग्नेट के दोनों पोल्स के एक यू शेप की मैग्नेट के दोनों पोल्स के बीच में रख दिया है. अब हमने इस कंडक्टर को अटैच करना है बैटरी से सो दैट इट कैन बी अ करंट कैरिंग कंडक्टर. तो इसके लिए हमने इस तरह से सर्किट को कंप्लीट किया है. एक कंडक्टर इससे अटैच करके हमने उसको बैटरी से किया है और उस कंडक्टर के दूसरे एंड को हमने उसी कंटेनर में डाल दिया है जिसमें कि मरकरी है. नाउ व्हेन द करंट इज पास थ्रू इट देन इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड इट मूव्स लाइक दिस बी से ए पर. अगर इस बैटरी को चेंज कर दिया जाए ठीक है तो करंट की डायरेक्शन भी चेंज होगी एंड इट विल मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन. As the direction of the current will change, the direction of the force applied on the conductor will also change. Thank you.